वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स स्टूडेंट्स, वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है, तो आपका बहुत सारा लोगों का जो है सो ये डाउट है कि ऑर्गेनिक के लिए क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बिहार बोर्ड का है उसका ये पहला वीडियो है 2021 की परीक्षा के लिए। ये स्पेशली एग्जैक्टली जो है सो बिहार बोर्ड के लिए है। इसमें CBSE का नाम जरा सा भी अभी हम नहीं लेंगे। CBSE की परीक्षाएं देर से होने वाली हैं तो उसका थोड़ा टाइम है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बिहार बोर्ड का जो ऑर्गेनिक है वो NCERT से थोड़ा सा अलग हट करके पूछा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सवाल पूछा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टाइप है, ऑर्गेनिक का जो टाइप है क्वेश्चन का, वो आप जान लीजिए। तो इसमें एक तो नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC का नोमेनक्लेचर के लिए आप मेरा 11th क्लास का कुछ ऑर्गेनिक का वीडियो है जिसमें डिटेल में नोमेनक्लेचर हम पढ़ाए हुए हैं, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको नोमेनक्लेचर का जो है सो हेल्प मिल जाएगा। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है उसमें आपको नेम रिएक्शन बहुत सारा पूछा जाता है। तो आपको मेरा ही पुराना नेम रिएक्शन का 3-4 वीडियो आपको दिख जाएगा, जिसमें करीब 15-16 नेम रिएक्शन कंबाइन करके जो है सो अलग अलग वीडियो में है, तो वहाँ से आप नेम रिएक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। तीसरा जो आपसे पूछा जाता है वो बहुत सारा कंपाउंड का प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन का सारा वीडियो अपलोड पहले किया जा चुका है। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन, एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन, अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनॉल का प्रिपरेशन, अल्डिहाइड का प्रिपरेशन, कीटोन का प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन और अमाइन का प्रिपरेशन। आपको सारा अलग अलग वीडियो है छोटा छोटा, उन सबों को आप देखेंगे तो आपका सारा कंपाउंड का प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो रहता है व्हाट हैपेंस। तो ये व्हाट हैपेंस वाला जो है सो ये सवाल कुछ हम आपको बिहार बोर्ड में जो आया हुआ है वो डिस्कस कर देंगे, ये चीज़ डिस्कस हम आपको कर देंगे वीडियो में। और नोमेनक्लेचर और बाकी सब जो है सो उन सबों का वीडियो पुराना है। आप लोगों का जो सवाल है कि ऑर्गेनिक की तैयारी कैसे करें कैसे करें, उसके लिए ये है कि आपका ऑर्गेनिक का बहुत सारा मटेरियल पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ टाइप का जो सवाल रहता है बिहार बोर्ड में वो रहता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का भी 3 वीडियो जो है सो पहले अपलोड किया हुआ है। कन्वर्जन के बारे में 3 वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और वैसे बिहार बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ कन्वर्जन है उसका वीडियो अभी आपको धीरे धीरे हम दे रहे हैं, 1 से 2 दिन में वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज जो है सो हम लोग अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है उसका, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, उसको मेनली डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2021 की परीक्षा के लिए। तो इसमें पहला हमको सवाल दिख रहा है डिस्कस द फॉलोइंग, जिसमें है उर्ज रिएक्शन। तो वैसे तो नेम रिएक्शन में आपको ये मिल जाएगा उर्ज रिएक्शन, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दें कि उर्ज रिएक्शन में क्या है कि 2 मॉलिक्यूल हम लोगों के पास अल्काइल हैलाइड होता है और इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है। ड्राई ईथर मीडियम रहता है, सोडियम को ईथर से हम लोग मिक्स करके रखते हैं, पानी से दूर रखना है उसको। तो यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों जो क्लोरीन एटम दिख रहा है, ये दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा और साथ में CH3 एक साथ कंबाइन कर लेगा, तो आपको मिलेगा इधर इथेन और यहाँ पे मिल जाएगा 2NaCl। तो आप उस रिएक्शन को लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन अल्केन इज फॉर्म्ड, और उसके बाद एग्जांपल के तौर पे आप ये रिएक्शन लिख देंगे तो आपका उर्ज रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सवाल जो बिहार बोर्ड का आया हुआ दिख रहा है उसमें है कंप्लीट करने को, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें हम लोगों के पास है इधर CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH प्लस C6H5NH2। ये C6H5NH2 जो है ये है एनिलीन। तो इसका रिएक्शन बोला जा रहा है कि कंप्लीट करके लिख देना है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली क्या है, ये रिएक्शन एक्चुअली है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन है जिसमें एनिलीन का हम लोग कहते हैं कि टेस्ट होता है, और यहाँ पर बनेगा क्या, तो C6H5NC बनता है, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसी को हम लोग कार्बाइल एमीन कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा क्या, KCl मिलता है और
वाटर मिलता है। रिएक्शन को अगर आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल KOH का होता है, यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल KCl होता है, और यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल वाटर हो जाता है। तो ये एक्चुअली प्राइमरी एमीन का टेस्ट है, जिसको कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछा गया है। अगला सवाल भी कंप्लीट द रिएक्शन ही है, और उसमें क्वेश्चन क्या है, तो उसका क्वेश्चन है हम लोगों के पास CH3CH2OH प्लस आयोडीन प्लस NaOH, इसका बोला जा रहा है कि रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये इथाइल अल्कोहल आयोडीन और NaOH के साथ है, तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले CHI3 लिख देना है, ये आयोडोफॉर्म इसमें बनता है। इसके अलावा इसमें हम लोगों को सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, साथ में सोडियम आयोडाइड मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। बैलेंस करना हो तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, इधर 5NaI बनेगा और इधर 5H2O बनेगा। तो ये जो है सो हम लोगों का एक कंप्लीट करने वाला रिएक्शन हो जाता है। फिर जो है सो आपको इसी चैप्टर में, एक्चुअली इसका जो कुछ क्वेश्चन है वो 11th क्लास का है, लेकिन अब 11th का तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। जैसे इसमें पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो ये वाला रिएक्शन में आप यहाँ पर कहेंगे कि CH3CONa प्लस NaOH प्लस CaO, ये दोनों मिक्सचर जो है सो कहलाता है सोडा लाइम। इसके साथ अगर हीट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से CH3 और यहाँ से H मिल करके बना लेगा CH4 और साथ में निकलेगा Na2CO3। तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम मीथेन इज ऑब्टेंड। तो ये सवाल है और उसका जवाब है। फिर जो है सो अगला इसी में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंस में ही कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इसका रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाते हैं तो हम लोगों को मिलता है C2H2। C2H2 है एसिटिलीन, एसिटिलीन जिसका IUPAC नेम हम लोग कहते हैं इथाइन, और साथ में हम लोगों को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। यहाँ दो मॉलिक्यूल वाटर लेना पड़ेगा। ये सवाल क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर, तो आपको एसिटिलीन गैस मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। फिर अगला सवाल है एसीटोन रिएक्ट्स विथ आयोडीन एंड बेस। तो एसीटोन जब आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब हम लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा। तो इसका जो है सो हम लोग कहते हैं कि एसीटोन आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो एक्चुअली आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये। यहाँ पर CH3CO CH3 और इसका रिएक्शन आयोडीन प्लस NaOH के साथ हम लोग करवाते हैं। तो इसमें जो है सो आपको सबसे पहले क्या है कि ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। तो पहले हम लोग इसको लिख देंगे NaOH प्लस I2, ये दोनों मिलकर के बनाया है सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम हाइपोआयोडाइड NaIOI और प्लस H2O। और अब जो है सो आप CH3COO, ये CH3 का रिएक्शन जो है सो NaOI के साथ दिखा देंगे। ये तीन मॉलिक्यूल है तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CHI3 प्लस CH3COONa प्लस 2NaOH। तो ये रिएक्शन आपसे पूछा गया है ये कि एसीटोन का I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो उसको दो स्टेप में हम लोग कर रहे हैं। पहला स्टेप में NaOH I2 से दिखाया, NaI और NaOI बना, और फिर CH3COCH3 सेकेंड स्टेप में NaOH से रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बनाया और ये सोडियम एसीटेट बना और 2NaOH मिल गया। अगला सवाल जो है सो हम लोगों से पूछा जा रहा है एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, व्हाट हैपेंस में ही है कि एसिटिलीन को अगर हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवाएंगे तो क्या बनेगा। एसिटिलीन होता है C2H2, इसका 3 मोल जो है सो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, ये करीब 600 डिग्री सेल्सियस पर होता है और ये फॉर्मेशन होता है बेंजीन का।
तो इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब देन बेंजीन इज ऑब्टेंड। फिर उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट हैपेंस में ही नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाइट्रोबेंजीन हम लोगों के पास ये है नाइट्रोबेंजीन, इसका रिएक्शन आप करवाएंगे टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक्चुअली इसका रिडक्शन हो जाता है और इस रिडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है यहाँ पर NO2 के बदले आ जाता है NH2, जिसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। ये एनिलीन के प्रिपरेशन का एक मेथड है, एनिलीन के प्रिपरेशन वाले वीडियो में आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन एनिलीन इज ऑब्टेंड। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो है डिस्क्राइब द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी एंड हाउ डज इट रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एक्वस KOH एसीटोन एंड सिल्वर डस्ट। तो पहले क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं वो चीज़ है, तो लैंग्वेज में हम बोल दे रहे हैं, आप चाहते हैं तो लिख लीजिए। क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इथाइल अल्कोहल और एसीटोन विथ ब्लीचिंग पाउडर। द ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ ब्लीचिंग पाउडर टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग 3 steps। तो स्टेप 1 इसमें जो है ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है इसका पहला स्टेप। उसका जो रिएक्शन है ये है CH3CH2OH प्लस Cl2। इस रिएक्शन में आपको मिलेगा CH3CHO, ये इथेनल मिल रहा है, प्लस 2HCl। उसके बाद स्टेप 2 है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या है, जो इथेनल मिला है CH3CHO उसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ करवा देते हैं, 3 क्लोरीन है, तो ये बन जाता है CCl3CHO प्लस 3HCl। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरल, ये जो है सो कहला रहा है क्लोरल। तो ये स्टेप 1 में था ऑक्सीडेशन इथाइल अल्कोहल का क्लोरीन के साथ, तो एसिटल्डिहाइड मिला और एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनेशन करवाया तो हम लोगों को मिला CCl3CHO क्लोरल। ये हो गया 2 स्टेप। अब जो है सो तीसरा स्टेप जो है सो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। स्टेप 3 में होगा हाइड्रोलाइसिस, ऐसे स्टेप वाइज आपको लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो ये CCl3.CHO था प्लस CaOH2, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2CHCl3 प्लस HCOO2Ca, ये कैल्शियम फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है सो आपको मिल गया ये क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन के बाद, उस सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म कैसे कैसे रिएक्शन करता है एक्वस KOH के साथ, एसीटोन के साथ और सिल्वर डस्ट के साथ। तो ये प्रिपरेशन का मेथड हो गया। दूसरा है, सबसे पहला रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किसके साथ, तो एक्वस KOH के साथ। तो ये CHCl3 और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम लोगों को पहले मिलेगा HCOOK, यह है पोटासियम फॉर्मेट, साथ में मिलेगा 3KCl और प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन आप लिख देंगे, ये पहला हो गया। दूसरा था कि एसीटोन के साथ कैसा रिएक्शन करता है, तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम लोग जो है सो एसीटोन के साथ लिखेंगे। तो ये है CH3COCH3, ये है एसीटोन और इसका रिएक्शन आप ये CHCl3 को ऐसे लिखते हैं HCCl3, और इसका जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग इसको क्या करेंगे कि आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं, एक साइड जो है सो CH3 है, एक साइड जो है सो दूसरा वाला CH3 है और O से जुड़ जाएगा H, ये जो H है ये जुड़ गया O के साथ और ये जो CCl3 है ये इधर हम लोगों को दिख जाएगा। इसको नाम देते हैं हम लोग क्लोरीटोन, और ये जो है सो एक हिप्नोटिक के तौर पर यूज़ होता है। हिप्नोटिक कहने का मतलब है नींद लाने वाली दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लोरीटोन बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन है। और एक तीसरा रिएक्शन है कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन
और सिल्वर पाउडर के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? तो CHCl3 जो है, दो मॉलिक्यूल लेंगे इस रिएक्शन में हम लोग, CHCl3 का दो मॉलिक्यूल लेते हैं। तो ये जो तीन क्लोरीन इधर और तीन क्लोरीन इधर दिख रहा है, वो छः सिल्वर के साथ मिलकर के बना लेगा 6AgCl, और साथ में आपको मिलेगा C2H2 इथाइन, एसिटिलीन का प्रिपरेशन हो जाता है। तो ये बिहार बोर्ड में क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, CBSE में ये सब कभी नहीं पूछा जाता, ये सब स्पेशली बिहार बोर्ड का ही सवाल है। अगला जो हम लोगों से सवाल क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन अगर आप देखें तो व्हाट हैपन्स वेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ एसिटल्डिहाइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो ये वाला क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में ही आपको मिल जाएगा, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। फिर है इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ KCN, ये चीज़ आपको हम अभी बता देते हैं। इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ KCN, इथाइल ब्रोमाइड होता है हम लोगों के पास C2H5Br, इसको पोटासियम साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ से कुछ नहीं, पोटासियम ब्रोमाइड बाहर चला जाएगा और C2H5 के साथ आपको CN मिल जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, और साथ में आपको मिलेगा KBr। तो ये था क्वेश्चन। फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आप KMnO4 के साथ करवा देंगे तो पहले ये CH3CHO में बदलेगा, लेकिन KMnO4, K2Cr2O7 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है सो स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, ये फिर से आगे CH3COOH में, दैट इज एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आप ये कह देंगे कि एसिटिक एसिड इसका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड चैप्टर का अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इस फॉर्मेट में है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्मेट में है क्वेश्चन है, CH3CH2COAG, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ करवाया गया है, CCl4 और रिफ्लक्स का मतलब होता है कि इसको थोड़ा सा बॉयल करना है। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सिल्वर एक ब्रोमीन के साथ AgBr बना लेगा, एक चीज़ आप लिख दीजिएगा कि AgBr बन जाएगा। फिर यहाँ से जो COO दिख रहा है ये जो है सो CO2 में बदल जाएगा। अब यहाँ से CO2 बाहर चला गया, AgBr एक चला गया, एक ब्रोमीन बच गया है, वो ब्रोमीन जो है सो CH3CH2 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ CH3CH2Br मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ से क्या किए, एक AgBr को बाहर कर दिए, फिर यहाँ से CO2 को बाहर कर दिए, और CH3CH2 में एक ब्रोमीन आ गया तो CH3CH2Br हो गया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था जिसमें तीन जगह खाली था उसको भरना था, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में ही अगला सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है, टोल्यून का रिएक्शन क्लोरीन के साथ 383 केल्विन या फिर HNU के प्रेजेंस में है, तो इसमें क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और जो बेंजीन रिंग से बाहर जो कार्बन है उस पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ CH2Cl बनेगा और एक हाइड्रोजन जो हटेगा वो एक क्लोरीन के साथ मिल करके HCl बना लेगा। अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग में, उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, यहाँ पे N2Cl दिया हुआ है और N2Cl का रिएक्शन करवा रहा है Cu के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये गैटरमैन रिएक्शन है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों का बनता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बाहर जाएगा और कॉपर का क्लोराइड बनता है, CuCl बनता है, ये गैटरमैन रिएक्शन है। इसके बाद वाला रिएक्शन है जिसमें CH2Br है, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाया जा रहा है। तो अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन होता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में यहाँ से क्या होगा कि एक Br इस कार्बन से और इस कार्बन से एक H हट जाएगा, HBr बन के बाहर चला जाएगा और इधर आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ इथीन मॉलिक्यूल हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये जो है सो हम लोगों का एक कम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है। इसके अलावा जो है सो क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और है, फिर ये बिहार बोर्ड का हेलो अल्केन वाला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें कि बेंजीन बनाया हुआ है और बेंजीन का रिएक्शन करवाया हुआ है क्लोरीन के साथ
इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 हीट, यहाँ पे है ए, उसको आपको बताना है कि ए क्या होगा। और फिर अगला स्टेप में है CH3Cl प्लस AlCl3, और यहाँ पर है बी, आपको बताना है कि बी क्या होगा। तो अगर आपने क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन पढ़ा होगा तो आपको आसानी से पता होगा कि FeCl3 क्लोरीन के साथ यहाँ पे जो है सो देगा क्या, तो ए हम लोगों का हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन का मेथड है। और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब CH3Cl AlCl3 के साथ करवाते हैं तो होता है फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन होगा तो आपका बी जो होगा उसमें आपको यहाँ पर क्लोरीन तो रहेगा ही, और क्लोरीन के बगल में मिल जाएगा CH3। तो एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो, और एक बार जो है सो पारा पर भी ये जाएगा, तो एक बार आपको दोनों आइसोमर मिलेगा, एक बार Cl के साथ CH3 ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार Cl के साथ CH3 पारा पोजीशन पर। तो बी में ये और ये दोनों मिक्सचर आप लिख देंगे। तो ये फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन है। और कमाल का बात है कि ये 2018 का क्वेश्चन है, और 2018 में एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में तो आपको यही लिख देना है, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन से शुरू करके इसका रिएक्शन कर दीजिएगा, और CH3Cl के बदले अगर आप CH3COCl कर दीजिएगा तो वो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो है सो हेलो अल्केन चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिहार बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस था उसका सारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। अगला चैप्टर हम लोगों का होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर।